जी नाजरीन, ये चौधरी शबाज का डेरा है, इनसे आज मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब की हाल है? आप सुनाएं कैसे? बस बस जबरदस्त। दो पोर्शन बनाए हैं, एक तरफ लहसुन है दूसरी तरफ गाय है। आप जानवर खुले छोड़े हुए अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से पिएंगे, तो इसका फायदा है, बंदे भी काम यूज होते हैं और जानवर भी खुश। ये क्या रखा हुआ है? ये नमक है। ये नमक किस काम आता है? ये जानवर खाते हैं, उनका कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और तो ये आपने कुछ जानवर अभी तक बाहर क्यों रखे हुए हैं? तो ये जगह भी खाली पड़ी हुई है। तो उनका दूध वो टोटल कितना हो जाता है? 10 लीटर तक देती थी जब ताजी से, वो भी इतना ही देती है। ये सुनने वाली है कुछ दूध भी देती है, तो अभी थोड़ा कम है। जैसा जैसा ये दूध का सीजन आएगा तो बढ़ जाएगा। इनके खुराक का सिस्टम होता है? खुराक अभी ज्यादातर हम सबल चारा डाल रहे हैं इनको, लेकिन अभी 2:30 बजे इसको डालेंगे। सुबह डालते हैं, फिर 2:30 बजे डालते हैं, फिर शाम को डालते हैं, दिन में 3 बार डालते हैं। तो अभी ये रेस्ट का टाइम है इनका। अभी चारा आपने देखा है बाहर रेडी बना दिया है, लेकिन अभी 2:30 बजे इनको दोबारा खोल लेंगे, जो फुल कर देंगे। पानी का सिस्टम इधर ही रखा हुआ है, पानी हर टाइम उसको फुल करके रखते हैं। रात को भी ये लाइटें लगाई हुई हैं, लाइटें चला देते हैं, तो रात को भी जानवर जो है पानी पीते हैं, खाते हैं। ये वैसे इस साइड पे रहती है, ये एरिया पूरा इनका है, और जो गाय हैं वो उस एरिया में रहती है। तो इससे ये है कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, अभी खुला छोड़ने से फायदे दो हो गए, और दूसरा जो है कि काम भी कम हो गया है, मेरे को खोलना नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से चारा खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है, तो काम भी थोड़ा कम हुआ है और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई। जी मैंने सुना है कि आप इन फ्यूचर इसको बड़ा करना चाहते हो फार्म को। हाँ, फार्म को भी अभी तो ये सिर्फ सेटअप बनाया है, लेकिन अभी हमने सोचा है कि वो जो बाहर की जगह है ना, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी जो छोटे जानवर हैं जो दूध पीते हैं वो अभी इधर में उनका सेटअप नहीं बना, तो उनका सेटअप हम अलग से बनाना चाहते हैं। जो छोटे दूध पीते हैं वो इनके साथ तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब साथ में छोड़ेंगे तो फिर वो सारा दिन साथ रहेंगे तो वो दूध पी जाएंगे, इसलिए उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। वो बाहर बनाएंगे, वो जो आपको मैं बना के, ये इनके लिए काफ़ी है। और भी अभी इनमें 5-6 जानवर इजीली आ सकते हैं,
20 लीटर 1 टाइम 2 टाइम इसका मतलब 1 डे इसका 40 लीटर। और सर्दियों में ये है कि वो अंदर आ जाएंगे, यहाँ खुला छोड़ने का यही फायदा है, यहाँ रहना चाहे अंदर बाहर। बाहर का ये भी दरख्त भी है तो इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जानवर जिधर भी रहेंगे, छांव है ऊपर भी नीचे भी, बहुत सिस्टम अच्छा है, पसंद आया। ये पोर्शन जो है इस साइड का, ये पूरा कुछ तो भी आपके बाहर भी है छोटे बड़े, जी आपकी ये ज़मीनें कहाँ तक है? ये जो आपका वो सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ तक हमारी ज़मीन है, वहाँ से लेके इधर भी वो जो फसल नज़र आ रही है आपको, वो गन्ना की फसल, वहाँ तक हमारी है। ये इस तरह जाती है, ये सारी ज़मीनें हमारी, ये चारा हमारा लगा हुआ है, कुछ लगा दिया है, ये नया एक चारा निकला है, वो जो जैसा बोलते हैं उसको, पहले ये लगाया था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आज हमने वो चार कनाल लगा दिया वो सामने। इसके और क्या फायदे हैं जानवरों के दूध के अलावा भी किसी काम? दूध के अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं उनके, जो बछड़ी बछड़े हैं वो साल में आपको अच्छा मुनाफा दे जाते हैं, और दूध जो है वो भी अच्छा है, और जानवर जो है वो अपनी प्राइस पूरी कर जाता है दूध से। और ये माशाल्लाह अभी साल के बछड़ी है, आपको देख रहे हैं ये हम अपनी ज़मीनों में डालते हैं, और इसके लिए कि ये खाद हमको ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती थी, ये भी फसल सिर्फ पानी लगाते हैं और बहुत अच्छी फसल होती है। जानवरों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये बड़े होकर कितने के बिक जाएंगे? अभी इनकी कीमत क्या होगी? ये आपने कितने के लिए थी ये जो आपने ऑनलाइन? ये 2.5 लाख के लिए। अभी इसके क्या प्राइस होंगे? थोड़ी सी तैयार नहीं है, जैसे सोने के लिए तैयार होगी तो आप इसे भी 4 लाख की यहाँ में भी बेच सकते हैं, अच्छी नस्ल की है। और ये अभी पहले सुबह का इसका बछड़ा था वो तकरीबन उतना है, और दूसरे बार में अभी उसका बाहर बाधा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये जो प्राइस थी वो जितनी के लिए थी वो तो पूरी हो गई है, अभी ये हमें को मुनाफे में खड़ी है। प्लस आप इसका दूध भी सेल कर रहे हो और आप इसकी रोड़ी भी यूज़ कर रहे हो पहले के लिए, वो भी काफी महंगी बिकती होगी अगर किसी के पास नहीं है तो। जिसके पास नहीं है, लेकिन हम तो हमारी जमीनों में यूज करते हैं, कल भी हमने इधर से डाली है जो अभी लगाई है ना वो खेत उधर लगाई है, इसके बहुत ज्यादा सारा जमा किया हुआ है, जमीनें खाली हुई हैं, अभी इसमें डालेंगे, कल कुछ उठा के डाली है इधर यहाँ पे लगाई है,60,000 के लिए माशाल्लाह
रेडी हो रही है, तैयार हो रही है और 20-25 दिन के लिए के बाद बच्चे दे रहे हैं। जब बच्चे दे देंगे दूध काना शुरू किया है। ये तो वो छोटी बकरियां हैं, वो भी हमारी हैं। ये एक और नस्ल की लेके हैं, थोड़ी अच्छी नस्ल वाली। ये डॉग रखे हैं रखने के लिए, रात में जानवर कोई अगर खुल जाता है रात को उसको ये तलाश करके लाते हैं। हमारा पुराना ये डॉग है, 8 साल एज हो गई, थोड़ी इसकी हालत खस्ता हो गई, बुढ़ा हो गया। लेकिन जवानी में इसने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत इसने मैदान जीते, बहुत विनर डॉग है हमारे। जी नाजरीन, ये इसको मंठा टाइम बनाया है। Okay.